अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेदी से इंटरव्यू। राजेंद्र सिंह बेदी आप जानते ही होंगे, उर्दू अदब के मशहूर अफसाना निगार है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में जानते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी, पूरा नाम है राजेंद्र सिंह बेदी, और इनका शुमार उर्दू के बड़े अफसाना निगारों में होता है। वो इंसानी नफ्सियात के नब्बाज है, यानी लोगों की नफ्सियात, लोगों की सोच को वो समझते हैं और उसी पर अफसाना लिखते हैं। जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती है ना, वो ऐसी सी बातों को अपना मौजू बनाते हैं। इनकी पैदाइश 1 सितंबर 1915 में लाहौर में हुई। सबसे बड़ी खूबी इनके अफसानों की है कि वो किरदारों को इस तरह तराशते हैं जैसे कोई संघ तराश, यानी कोई मूरत बनाने वाला एक पत्थर को तराश कर एक खूबसूरत शक्ल दे देता है। उनके अफसानों में नई नई तशबीहें होती हैं, नए इशारे होते हैं। और बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने के जो मौजूदात होते हैं वो हमारे समाज से होते हैं। मतवसत यानी मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो अपने अफसानों में ऐसे फैमिली का जिक्र करते हैं, उनके मसाइल को लोगों के दरमियान रखते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के का पहला मजमू है दाना दवाम, और उनकी फिल्में हैं दस्तक, गर्म कोट, देवदास, मिर्जा गालिब वगैरह। और एक और है इसमें जो आपको बताना है कि महारानी का तोहफा उनका पहला अफसाना था। याद रखें, महारानी का तोहफा उनका पहला अफसाना था। लेकिन मजमुए की बात की जाए, मजमुआ मैंने पहले भी कर दिया था, मजमुआ कहते हैं कलेक्शन को जिसमें बहुत सारे अफसाने हों, तो वो अफसाने मजमुआ, बहुत सारी गजलें हैं तो वो गजलिया मजमुआ हो गया। तो यहाँ पर उनका ये पहला अफसाना है महारानी का तोहफा, और पहला अफसानवी मजमुआ है दाना और दवाम। आप देखिए, उनका इंतकाल 1984 11 नवंबर 1984 में हुआ। मैं इसको इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपके सारे सवालात हल हो जाए। आप खुद भी सवालात को देखें, किताब पढ़ने से पहले आप सवाल पे नजर रखे रहें, और देखिए यहाँ इस तरह पढ़ाया जाएगा कि आपके सारे सवालात हल हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई सवाल बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, या व्हाट्सएप नंबर तो वहां दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। इसमें जो अफसाना, इसमें जो इंटरव्यू लिया है, दो ने लिया है राजेंद्र सिंह बेदी का। एक है इसमत चौगताई। इसमत चौगताई उर्दू अदब की बड़ी अफसाने निगार है, खातून है। उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और उन्होंने ही बहुत सारे सवालात पूछे हैं। दूसरे हैं फैयाज रिफत साहब, अभी हयात से हैं, और फैयाज रिफत साहब देखिएगा फेसबुक पर आपको मिल जाएंगे। फैयाज रिफत साहब हैं जिनका ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से एक लंबे मुद्दत तक रहा है। वो स्टेशन के ओहदे, डायरेक्टर के ओहदे पर भी रहे फैयाज रिफत साहब। तो इसमत चौगताई और फैयाज रिफत, ये दोनों इंटरव्यू ले रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी का, क्योंकि एक अफसाना निगार का इंटरव्यू एक अफसाना निगार ही बेहतर तरीके से ले सकता है। तो सबसे पहले फैयाज साहब के बारे में जान लें। फैयाज साहब के बारे में मैंने कह दिया। बेदी साहब के बारे में जान लें कि बेदी साहब 1948 में स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं, यानी राजेंद्र सिंह बेदी भी स्टेशन डायरेक्टर रहे 1948 में, और अफसाने निगार में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। तो फैयाज रिफत कहते हैं कि आपके बारे में कोई सवाल किया जाए तो मैं तो इतने अच्छे ढंग से नहीं पूछ सकता हूँ, इसमें तापा है, ये आपसे अच्छे ढंग से सवाल पूछेंगे। तो बेदी कहते हैं ठीक है, इसमें तापा आप ही सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। तो पहला सवाल होता है इसमें तापा की तरफ से, यानी इसमें चौगताई की तरफ से, कि एक दफा एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि राजेंद्र सिंह बेदी की जबान के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा बहुत कम और छोटे छोटे जुमलों में बहुत कुछ कहने कह देते हैं। आप इसको समझ गए कि एक आदमी आया इसमें चौगताई के पास और कहा कि उनकी जबान कैसी है, यानी लिखने का तरीका कैसा है। तो इसमें चौगताई ने कहा कि बहुत छोटे जुमले इस्तेमाल करते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। बेदी साहब कहते हैं कि देखिए, ये तो आपका आपकी मेहरबानी थी कि आपने ऐसा जवाब दिया। मैं पहले बहुत गलती किया करता था, लेकिन बाद में मैंने अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लिया। इसमत कहती है कि मेरे ख्याल से वो गलती नहीं है। बेदी कहते हैं कि मेरी उर्दू आज काफी अच्छी है और मैं समझता हूं कि आज मेरी उर्दू में कोई गलती नहीं निकाल सकता। अब देखिए, फैयाज साहब फिर सवाल कर रहे हैं। फैयाज साहब कहते हैं बेदी साहब, मैं समझता हूँ कि जब आप पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे लाहौर में, उसी जमाने में आपने अफसाना लिखा था, वो कौन सा अफसाना था। तो बेदी साहब कहते हैं वो अफसाना था महारानी का तोहफा, जो जाया हो गया, यानी कहीं खो गया, अब वो नहीं है। वो अफसाना उस साल का सबसे बेहतरीन अफसाना करार पाया था। अब देखिए, फैयाज साहब फिर एक सवाल करते हैं कि अफसाने में जो जबान होती है वो जबान आरायशी नहीं होनी चाहिए।
यानी सजा संवार कर इस अफसाने को नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं, वो किरदार अलग अलग होते हैं। मैंने कल भी कहा था आपको, पिछली वीडियो में आप देखेंगे कि इसमें एक बात का ख्याल रखता है, जब हम किरदार को उठा कर लाते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैंने एक अफसाना लिखा, अफसाने में एक किरदार है घेसु माधव, जो पूस की रात में प्रेमचंद के, प्रेमचंद का है अफसाना पूस की रात, उसका किरदार है। तो आप बताइए घेसु से अंग्रेजी बुलवाएंगे तो क्या वो अंग्रेजी बोलेगा, या एकदम खालिश उर्दू बुलवाएंगे तो क्या वो बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। हम अफसाने में बात कर रहे हैं एक रिक्शा चलाने वाले की, अब रिक्शा चलाने वाले से पूछा जा रहा है भाई आपका नाम क्या है, तो रिक्शा चलाने वाले क्या जवाब देगा, आम फॉर्म अंदाज में जवाब देगा, भाई मेरा नाम मोहम्मद दीन है। वो तो ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा इसमें गिरामी, ये सब नहीं कुछ बोल पाएगा। तो अफसाने में जो बात होती है वो आरायशी नहीं होती है, किरदार जिस तरह का है उसी तरह की जबान होनी चाहिए, ये फैयाज साहब कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अफसाने लिखते हैं तो किरदार में अपनी उर्दू वहां डाल देते हैं, यानी वो तो उर्दू के जानकार होते ही हैं, तो वहां ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं जो किरदार पर फिट नहीं बैठती है। अब बेदी साहब क्या कहते हैं कि किसी के अफसाने पर राय देनी हो तो आते कहा जाता है कि अफसाना बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट है, मगर जबान से बात नहीं होती है। ये जबान सुनते सुनते ये कहते हैं मैं आजिज आ चुका हूं, अब मेरे जहन में जो कुछ आता है बस मैं लिख देता हूं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचता। फयाज साहब फिर एक सवाल करते हैं कि अच्छा बेदी साहब, आपके अफसानों में मैंने जो महसूस किया है कि चंद वर्षों में आपके अफसाने के जो किरदार होते हैं वो हिंदू मजहबी अकायद के होते हैं, यानी आप मुसलमानों को कम शामिल करते हैं, हिंदुओं को अपने अफसाने में ज्यादा शामिल करते हैं, इसकी वजह क्या है। तो बेदी साहब कहते हैं कि देखिए अफसाना उर्दू की सिर्फ है, अफसाने के जो अफसाना निगार हैं, अफसाना लिखने वाले हैं, वो सब मुस्लिम हैं, तो मुसलमान लोग तो मुस्लिम का नाम लेते ही हैं, उनको किरदार में लाते ही हैं, अब हिंदू लोगों को कौन अपने किरदार में लाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं ये काम करूं कि हिंदुओं को अपने अफसाने का किरदार बनाऊं। अब आगे कहते हैं कि लेकिन ऐसी बात नहीं, मेरा सब अफसाना वैसा नहीं होता है, कहीं कहीं मैं मुसलमानों को भी शामिल करता हूं। अब इस्मत आपा फिर कहती हैं कि तुमने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी थी। देखिए इस्मत आपा बड़ी है याद रखिएगा, और राजेंद्र सिंह बेदी छोटे हैं, इसलिए इस्मत आपा तुम कहती हैं और राजेंद्र सिंह बेदी आप कहते हैं। तो इसमें आपा कहती हैं कि तुमने एक कहानी लिखी थी कि एक लड़की कहीं जाती है, वो जाती रहती है तो उसके पीछे एक बूढ़ा लग जाता है, बड़ी अच्छी कहानी थी, वो बूढ़ा उसको बहुत गौर से देखता रहता है, आखिर वो लड़की सोचती है ये बूढ़ा कौन सा है, कौन सा बूढ़ा है मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और बाद में पता चलता है जब उस लड़की की शादी हो जाती है, वो लड़की ससुराल चली जाती है, तो वही बूढ़ा उसके सामने आता है और कहता है कि बेटी मैंने तुमको मुंतखब किया है अपने बेटे के लिए, मैं जो तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा था वो अपने चक्कर में नहीं घूम रहा था, बेटे के चक्कर में घूम रहा था। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी। अब फैयाज साहब एक सवाल और करते हैं, बेदी साहब आप तो फिल्मों से भी जुड़े हुए रहे हैं, फिल्मों में भी काफी तजर्बा है आपका, दस्तक, गर्मकोट, देवदास, मिर्जा गालिब, मधुमति वगैरह आपकी अच्छी फिल्में हैं। बेदी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन फिल्मी दुनिया है ना, वो अदबी दुनिया नहीं होती, वो तजारती दुनिया होती है, यानी फिल्म में जो कुछ है वो सब बिजनेस है, हम जो कुछ लिखते हैं बिजनेस के मकसद से लिखते हैं, बिजनेस का सोच के लिखते हैं, वहाँ अदब नहीं है, वहाँ अपने मन से हम काम नहीं करते हैं, वहाँ मार्केट के लिहाज से काम करना पड़ता है। ये कहते हैं कि मुझे उस दुनिया का काफ़ी तल्ख तजर्बा है, अब मैं दोबारा फिल्मी दुनिया में नहीं जाना चाहता। फिर इसमत कहती हैं हम लोग मुंबई में रहते हैं ना, उस वक्त बम्बई था तो बम्बई लिखा हुआ है, मैं बोलता हूँ तो मुंबई बोला जाता है, हम लोग बम्बई में रहते हैं ना, बम्बई में लोग फिल्मों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। बेदी कहते हैं आपका कहना दुरुस्त है, बम्बई का बाजार ही फिल्मी है, लोगों की अक्सरियत का जो मिजाज है, वहाँ के लोगों की का जो मिजाज है ना, वो सब फिल्मी मिजाज है। ये कहते हैं कि मेरी कहानियों पर फिल्में बनी हैं, लेकिन मैं फिल्में नहीं देखता, क्योंकि अब ना तो महबूब जैसे डायरेक्टर हैं और ना याकूब जैसा कैरेक्टर, पहले कहानी पर फिल्म बनती थी, अब तो कैरेक्टर और अदाकारों के मुताबिक कहानी लिखने वाले बम्बई के बाजारों में मिलने लगे हैं। कहते पहले की बात अलग थी, लोग कहानियां देखते थे, पढ़ते थे, उस पर फिल्म बनती थी, अब तो जिसकी मर्जी है वो कहानी लिख देता है, रोड पर मिलते हैं ऐसे ऐसे लोग। फैयाज साहब एक बार और सवाल करते हैं कि बेदी साहब आपके ड्रामों का भी एक मजमूआ है सात खेल, याद रखिएगा सादत, ये बेदी साहब राजेंद्र सिंह बेदी के ड्रामों का मजमूआ है सात खेल। कहते इधर हमारे यहाँ उर्दू में ड्रामा ही नहीं, आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ ड्रामा सिंह की हैसियत
सिटी ज्यादा मजबूत और इस्तेमाल नहीं है। कह रहे हैं कि आपका जो ड्रामा है सात खेल, वो मैंने देखा है वो ड्रामा। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ उर्दू में आपकी ड्रामा इतना मकबूल क्यों नहीं है? तो बेदी कहते हैं कि उसमें जो लेंथ होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, वो हम लोग उसका ख्याल नहीं करते। कोई ड्रामा लिखते हैं तो आधे घंटे का लिख देते हैं, कोई ड्रामा लिखते हैं तो दो घंटे तीन घंटे का हो जाता है। सब ड्रामे की लंबाई एक हो तो फिर ड्रामा कामयाब हो सकता है। इसमत कहती है कि अच्छा, इसका मतलब कि वो ड्रामे स्टेज नहीं किए जा सकते। कहते हैं हाँ बिल्कुल, वो ड्रामा स्टेज नहीं किया जा सकता, सिर्फ पढ़ा जा सकता है। अब बेदी साहब कहते हैं कि हाँ। इसमत आबा फिर सवाल करती है कि हमारे यहाँ जीलानी बानो का नॉवेल ऐवान गजल बहुत अच्छा है, याद रखिए जीलानी बानो। इंटर में जाइएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रॉमिस जिसकी लिखने वाली है जीलानी बानो। जीलानी बानो के नॉवेल का नाम है ऐवान गजल। इस्मत आपा उसकी तारीफ कर रही है और कह रही है बहुत अच्छा है। इस्मत कहती है, बेदी कहते हैं पाकिस्तानी मुसन्निफों ने नावेल की तरफ ज्यादा तवज्जो दी है, मैंने भी एक छोटा सा नावेल लिखा है, एक चादर मैली सी, याद रखेंगे एक चादर मैली सी, ये राजेंद्र सिंह बेदी के नावेल का नाम है। तीन किताबें याद रखिए, राजेंद्र सिंह बेदी का नावेल एक चादर मैली सी, उनका पहला अफसानी मजमुआ दाना दवाम, उनका पहला अफसाना महारानी का तोहफा, ये तीनों याद रखेंगे आप। कह रहे कि मैंने भी एक नावेल लिखी लेकिन उसके बाद मैंने नावेल लिखना छोड़ दिया। फयाज कहते हैं बेदी साहब हमें आपकी अदालत का एहसास है, यानी आपकी बीमारी का एहसास है, लेकिन आप लाहौर की कुछ यादगार हमारे साथ शेयर करें, कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो देखिए आखिरी बात, आखिरी ये है पैराग्राफ है ये। बेदी साहब कहते हैं भाई सबसे पहले तो उपेंद्र नाथ अश्क मेरे दोस्त थे, इसको खास तौर से सुनेंगे। ये कहते हैं उपेंद्र नाथ अश्क मेरे दोस्त थे, जब उपेंद्र नाथ अश्क की बीवी का इंतकाल हो गया तो वो ज्यादातर मेरे ही घर में आकर पड़े रहते थे। और फिर आगे कहते हैं कि कृष्ण की बाबत, कृष्ण की तरफ मैंने उनकी कहानियां पढ़ी तो बहुत मुतासिर हुआ। कौन से कृष्ण? कृष्णचंद। कह रहे ये कृष्णचंद कि जब मैंने कहानियां पढ़ी थी तो मैं बहुत मुतासिर हुआ, जब मैं रास्ते से गुजरता कोई भी आदमी मिलता तो मैं उससे पूछता क्या आप कृष्णचंद हैं। आगे पता चला कि वो पंजाब लाइब्रेरी में एक पंजाब लाइब्रेरी से एक रिसाला निकलता है, वहीं वो मौजूद हैं, उसके एडिटर हैं वो। ये कहते हैं कि मैं वहां गया, जाने के बाद मैं उनसे कहा कि क्या आप कृष्णचंद्र हैं। अब देखिए कृष्णचंद्र भी जानते थे इनको, भले ही कभी मुलाकात नहीं हुई, तो वो भी आए और कहने लगे कि तुम राजेंद्र सिंह बेदी हो, और कहकर गले लगा लिया। कह रहे हैं कि ये बहुत ही खुशगवार याद है मेरी, जिसको मैं कभी भूल नहीं पाता। फयाज साहब कहते अच्छा बेदी साहब आज आपकी सआदत हासिल हुई, गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए सवाल जो भी हैं वो आपके बताए गए। हाँ कुछ सवाल ऐसे हैं, इंटरव्यू लेने वाले का नाम फयाज रिफत, इसमें चुगताई, किसका इंटरव्यू लिया गया? राजेंद्र सिंह बेदी का। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? लाहौर में। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? ये यहाँ पर नोट कर लिया, आपको पहले भी कर दिया है, महारानी का तोहफा। उसके बाद बेदी की मौत कब हुई? 11 नवंबर 1984। राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख पैदाइश क्या है? नोट है 1 सितंबर 1915। बेदी ने किन किन दफातर में काम किए? तो वो पहले क्या कहते हैं रेडियो स्टेशन से जुड़े, उसके बाद पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में गए। उसके बाद बेदी लाहौर के किस महकमा में काम करते थे? तो पोस्ट ऑफिस में। इस्मत आपा की शख्सियत पर पांच जुमले लिखे, मैंने कह दिया इस्मत चौकताई उर्दू अदब का बड़ा नाम है। आप खातून अफसानेकार हैं, आपके कई अफसाने जो शाये हुए वो बहुत मकबूल हुए। आपने अपने अफसानों में उन औरतों का जिक्र किया है जो समाज में मतलब किसी न किसी मसले से दो चार रहती। बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? अभी मैंने बता दिया। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमूए का नाम बताइए, दाना दौन। बेदी का अफसानी गाड़ी की खसूसियात पर चंद जुमले लिखिए, मैंने पहले भी कह दिया। अब देखिए जो खाली जगह है या जमा बनाने को है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है और आप प्ले लिस्ट में इसको देख लेंगे। पूरी किताब में आपकी जो किताब है, जितना भी जितने भी अखबाक हैं, जितने भी सबक हैं, उसमें जितने भी जिद जमा वाहिद जो कुछ है जुमला, उसकी एक अलग से वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लेंगे। और जब उसको देख लेंगे तो इस पर मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।